तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आजाद हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख होता आवाज दो, हिंदू मुस्लिम सिख होता बहुत शुक्रिया मीडिया हजरात का। आज हमने फ्लैग मास्क पोल जो है 35 मीटर 110 फुट से वो है हाइट इसकी, जो हिंदुस्तान का झंडा का फाउंडेशन स्टोन स्टार्ट होने जा रहा है यहाँ पे, हम बहुत जल्दी ये हमारा टावर भी यहाँ खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। और 110 फुट हाइट है इसकी हिंदुस्तान के झंडे की, 70 फुट जो है आर्मी वालों ने हमारे जो पुंछ में 70 फीट हाइट का वो उन्होंने लगाया है। ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ रजौरी में सबसे बड़ा जो है हमारा ही ये फ्लैग टावर है जो 110 फुट हाइट है इसकी, हमने आज स्टार्ट करवाया और 10-15 दिनों में इंशाल्लाह हमारा ये टावर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी हम यहाँ प्रोग्राम करेंगे बड़े लेवल पे जिस दिन हमारा ये झंडा कंप्लीट हो जाएगा। सर बताएंगे कि बीजेपी जो 9 साल के अंदर एक टाइमरी काम किया जम्मू कश्मीर के अंदर जो कम 70 साल से नहीं हो पाया, इस पर क्या कहेंगे? ये पिछले जो हमारे 9 साल बेमिसाल हमारी सरकार ने इतने काम किए, ऊपर इतनी डेवलपमेंट की है जो पिछले 70 सालों से नहीं हो सकी है। यहाँ पे आपने देखो रोड सेक्टर में देखो हमारी नबार्ड के बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, जैसे JJM में हमारी लिफ्ट स्कीमें बहुत सी चल रही हैं, ऐसे ग्राउंड देखो हमारे मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम जैसे कोटा में हमारा बहुत बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम हमने बनाया, ऐसे छतराल में है। और सरकार इतना पैसा ऊपर से दे रही है, एक एक सरपंच जो है 10-10 करोड़ लगा रहा है, इतनी डेवलपमेंट हो रही है। और आने वाले अभी इलेक्शन आ रहे हैं MP के और इंशाल्लाह इस बार फिर हमारी सरकार आएगी, जो बाकी बचा खुचा काम है वो भी इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। इस टाइम जो ये 9 जनवरी के बाद जो है सरपंचों और BDC का टेनियर अपना ख़त्म हो रहा है, हम सारे सरपंचों के साथ जो हमारे भाई थे सरपंच हजरात उनके साथ मिलके हमने 2 साल में काम चलाना है। और जब इनका इलेक्शन हुआ उसके बाद सरपंच जो भी हुए वो काम करेंगे और इनके साथ मिलके ही हमने काम चलाना है। बहुत अच्छा।